परिवार है, बी के परिवार के 10 लोगों का और रिजल्ट जो है पॉजिटिव आया है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि वो एक ही परिवार के सब लोग हैं। हम लोगों ने एहतियात और प्रिकॉशन के तहत जो है टोटल 26 लोगों के सैंपल लिए थे, जिसमें वो दो सस्पेक्ट केस शामिल थे। उसमें से जो है हमारे पास जो रिपोर्ट आई है, बाकी सभी केसेस नेगेटिव आई हैं। केवल 10 केस और जो है पॉजिटिव आया है, जिसमें मुख्यतः उसी के परिवार के बच्चे शामिल हैं, क्योंकि ये जो व्यक्ति है वो निम्न आय वर्ग का है, छोटे से मकान में रहता है, संयुक्त परिवार में रहता है, इसीलिए जो है वहाँ पे हम लोगों ने पूरे परिवार को ही क्वारंटाइन किया हुआ था और उनका उपचार भी चालू कर दिया था। और एहतियात के तौर पर हमने टेस्टिंग की, टेस्टिंग के बेसिस पे जो है जो रिजल्ट सामने आया है, ये पाया गया है कि उस पति पत्नी के अलावा जो है 10 और लोग जो है पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन सभी का कंडीशन जो है टोटली एसिम्प्टोमेटिक है। मतलब उनका जो है कोई भी कोरोना जैसे लक्षण नहीं है, उनको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है, उनके सारे वाइटल्स और पैरामीटर्स जो है नॉर्मल है, स्टेबल है। इनफैक्ट जो मेन सस्पेक्ट है, जो वो दंपत्ति, वो भी क्रिटिकल नहीं है, बिल्कुल ही नॉर्मल कंडीशन में है और उनका उपचार जारी है। डॉक्टर्स के पास सारे संसाधन है। डॉक्टर्स को फर्स्ट ऑफ ऑल जो इस आइसोलेशन वार्ड की टीम है, उनको हम लोगों ने उनके रुकवाने के लिए अलग से पृथक से व्यवस्था कर ली है, और ये फैसिलिटी नर्सेस के लिए भी है और जितने भी और पैरामेडिक्स हैं। ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर को ही होटल में रुकाया जा रहा है। हमारा नर्स, हमारा वार्ड बॉय, हमारा MPW या जो भी चाहता है, उनके लिए वो पूरी फैसिलिटी ओपन है, उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जहाँ तक साधन की बात है, पहले हमारे पास PPE किट एंड मास्क की कमी थी, लेकिन अभी सभी चीजें जो है हमारे पास उपलब्ध है और फुल प्रिकॉशन के साथ ही हमारे डॉक्टर्स जो है इस कार्य को कर रहे हैं। इसमें कितने बच्चे और महिलाएं कितनी? 8 बच्चे हैं और एक पति पत्नी और। सर डॉक्टरों के, कुछ डॉक्टरों के भी सैंपल भेजे गए हैं आज? हाँ बिल्कुल, डॉक्टर्स के सैंपल तो भेजना प्रोटोकॉल के तहत ही है, क्योंकि डॉक्टर्स जो है सबसे ज्यादा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में, अगर परिवार के अलावा और कोई आता है तो वो डॉक्टर ही है और नर्स ही है, और इसीलिए हम लोगों ने जो है डॉक्टर्स का भी सैंपल भेजा हुआ है। क्योंकि ये हमें, जब हमने दंपति से इंटरोगेट किया, ये पूरा मामला आप समझिए कर्फ्यू के पहले का है, लॉकडाउन के पहले का है। 17 तारीख को ये लौटा और फिर जो है ये 2-3 दिन से घर में रहा, और फिर जो है इसने जिला अस्पताल में भी अपना कोल्ड कॉफ OPD में आया, तब भी इसके कोई लक्षण नहीं थे, और इसने एक प्राइवेट में भी डॉक्टर से इलाज कराया है। इसलिए एहतियात के स्वरूप जो वो प्राइवेट डॉक्टर है उनका भी सैंपल लिया है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें सभी की सुरक्षा को ध्यान में रखना है, तो इसलिए उनका सैंपल लिया गया, उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया, उनको क्वारंटाइन भी किया गया है। अब जैसे जैसे रिजल्ट आएगा उससे पता चलेगा। दूसरा चीज है कि हम लोग बहुत अग्रेसिवली ज्यादा टेस्टिंग कर रहे हैं। टेस्ट ज्यादा करने से फायदा ये है कि ये अन्य लोगों तक नहीं फैलेगा, नहीं तो जैसे हम बता रहे हैं कि ये इस परिवार के जो बाकी लोग हैं उनमें, उनको आज भी आप देखेंगे उनको ना तो कोई तकलीफ है, ना उनमें कोई लक्षण है, ना उनको कोई प्रॉब्लम है, लेकिन अगर उनको हम बगैर टेस्टिंग में मोहल्ले में और शहर में घूमने देते तो ये अन्य लोगों, क्योंकि इनमें वायरस तो था, तो ये अन्य लोगों को जो है संक्रमित करते। इसीलिए एहतियात के स्वरूप में वार्ड 47 में भी बहुत सारे लोगों का हम लोग सैंपलिंग करेंगे, ताकि हम बिल्कुल कंफर्म हो जाए कि किसी के पास, किसी के अगर लक्षण है तो उसका इलाज शुरू हो जाएगा, और किसी के लक्षण नहीं है तो वो हमारे लिए गुड न्यूज है। कुल कितने आज हम लोगों ने परिवार के, बाकी परिवार का जो मेन था, हम लोगों ने टोटल जो है सभी का रिजल्ट आ गया है। 18 नेगेटिव है और 12 जो है पॉजिटिव है, उसमें से 2 वो पहले के केसेस हैं और 10 उसके निकटतम परिवार और बच्चे के हैं। इसके अलावा अभी हम लोगों ने डॉक्टर्स और जो अब इनके सेकंड लाइन में या उनके मोहल्लावासी, उनके पड़ोसी, उनके बाकी लोग हैं, उनकी जांच हम कर रहे हैं और उनका घर घर का सर्वे और डिटेल आ रहा है, जिसके बेसिस पे हम और लोगों के सैंपल्स लेंगे। एक जमाती नहीं, ऐसी कोई जानकारी हमको नहीं है, ना ही इसकी पुष्टि है। समय समय पे पिछले 3-4 दिन से मीडिया के माध्यम से और अन्य लोगों के माध्यम से हमारे पास न्यूज जरूर आया है कि ये यहाँ से आया है और इसको पाया गया है, लेकिन जितने भी लोगों को हमने चेक किया सब पाया है कि कोई फरवरी में लौटा है, कोई और उससे पहले लौटा है, 1 महीना उसका हो गया, तो ऐसे अभी हमारे जानकारी में ऐसा कोई केस नहीं। घनेश्वरा में भी एक मोहल्ला को पूरा सील किया गया है, उसके 3 सैंपल बताए जा रहे हैं कि संक्रमित नहीं, 3 सैंपल
नहीं, देखिए वो समझिए वो एक ही परिवार है। जब पता चला कि उसको जो है हम अस्पताल में ले जा रहे हैं, तो वो उसमें से एक भाई जो है दूसरे गोपालपुरा में जो है जाने का प्रयास किया था, इसलिए प्रिकॉशन के तहत हमने उसको भी सील करके रखा है ताकि उस घर में और कोई घुस ना पाए। और उन लोगों के भी हमने सैंपल्स कर दिया, ले लिया है उसमें से भी। अब मुझे ये नहीं पता कि वो 26 में से कौन गोपालपुरा रहता था, कौन महाराजपुरा रहता था, लेकिन जो है बाकी समस्त परिवारों का नेगेटिव आया है। केवल मतलब आप आंकड़ा देखिए, 23 में से 10 ही का पॉजिटिव आया है, बाकी का नेगेटिव आया है।